नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह और लगातार हम बात कर रहे हैं कौन बनेगा सरदार। जी हां, गुजरात और हिमाचल के नतीजे जो है वो आना शुरू हो गए हैं। सुबह से ही सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। स्वराज एक्सप्रेस पर सबसे पहले रुझान आपके सामने। जी हां, गुजरात में नतीजे आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी 3 सीट पर जीत चुकी है, कांग्रेस 1 सीट पर जीती है। लगातार जो है वो नतीजे आना शुरू हो गए हैं, तो गुजरात के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही अपडेट भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस पर सबसे पहले रुझान, गुजरात में नतीजे आना शुरू हो गए हैं। जी हां, बीजेपी 3 सीट पर जीत चुकी है, साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस जीती है। और लगातार जैसे कि देखा जा रहा है, बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है। 5 सीट क्लियर हो चुकी है जिसमें बीजेपी जीत चुकी है, 1 सीट पर जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जी हां, तो लगातार जो नतीजे हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर अभी विजयी हुई है। हमारे सहयोगी रोमल भावसर सीधा न्यूज रूम से जुड़े हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रोमल, किस तरह की और जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और ऐसे में क्या कुछ सियासी दौर देखा जा रहा है? जाएंगे रोमल भावसर के पास, लेकिन आपको हम लगातार बता रहे हैं कि गुजरात के जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। बढ़त लगातार बीजेपी बनाए हुए है, कांग्रेस 75 पर आगे चल रही है जबकि बीजेपी 100 सीटों पर आगे है। स्वराज एक्सप्रेस पर सबसे पहले रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं हम। गुजरात में नतीजे आना शुरू हो गए हैं। हाँ, सीधा रोमेल का रुख करेंगे। रोमेल, अभी फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल सुनील, सुबह से ही स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम भोपाल हेड ऑफिस से लेकर गुजरात में कोने कोने पे तैनात थी, और अब वो दौर आ गया है जब रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और लगभग तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। ताजा बात करें तो अगर नतीजों की बात करें तो करीब 4 सीटों पर जो बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, 1 सीट पर कांग्रेस है, और रुझान की बात करें तो 100 सीट अभी ऐसी है जिसमें बीजेपी आगे चल रही है और करीब 70 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ओवरऑल अगर सुनील बात करें तो कुल मिलाकर जो तस्वीर दिख रही है गुजरात की, उस तस्वीर में कांग्रेस को अभी की स्थिति में 100 से 105 की सीट के बीच मिलती दिख रही है। हालांकि कुछ सीट ऐसी भी है जिसमें जीत और आगे पीछे का अंतर जो है, आगे और पीछे का अंतर वो 1000 से 2000 के बीच है। ऐसी स्थिति में ये जो आंकड़ा है बीजेपी का 105 से 25 सीट कम या 5 सीट ज्यादा भी हो सकता है। वही कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान स्थिति में अगर ओवरऑल देखें तस्वीर तो कांग्रेस को करीब 70 से 75 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की स्थिति में बिल्कुल वही है कि कुछ सीटों पर उनके प्रत्याशी आगे और पीछे 1000 से 2000 मतों से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी प्लस और माइनस 5 की स्थिति में होती है। ताजा अगर स्थिति की बात करें तो बीजेपी को 2012 के मुकाबले, 115 सीट के मुकाबले करीब 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि कांग्रेस 5 से 7 सीटों में फायदे में। सुनील, अगर एक कंक्लूजन निकाले, ओवरऑल निष्कर्ष निकाले तो कुल मिलाकर बीजेपी ने गुजरात में सरकार बना ली है, लेकिन बीजेपी का गुजरात में मोदी और अमित शाह का 150 का सपना टूट गया है। तो कुल मिलाकर सरकार बनना अच्छी बात है, पर 150 से इतनी दूर होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय और एक इंडिकेशन है 2018-19 के लिए कि कभी आप कोई टारगेट देते हैं तो उस टारगेट की जमीनी हकीकत भी देख लें, क्योंकि जो 4 से 5% वोट फॉल हुआ था, वोटिंग प्रतिशत गिरा था, जिसके लिए कहा जा रहा था ये मतदान किसका है, ये वोटर किसका था जो वोट डालने नहीं गया है, अब ये स्थिति साफ है ये वोटर कहीं ना कहीं वो वोटर था जो वोटिंग बूथ पे जाता है तो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता था। बीजेपी 150 सीट नहीं ला पाई, साथ ही उसका परफॉर्मेंस 2012 से भी गिर गया। तो सरकार बनना अपनी बात है, लेकिन दूसरी बात है लॉन्ग टर्म के लिए 2018-19 के लिए एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को वर्क करना पड़ेगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, उन्होंने जीत का चिन्ह दिखाया, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से अमित शाह की वो स्थिति साफ करेंगे कि कारण क्या रहा है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले कम रहा। बिल्कुल रोमेल, चिंता की बात तो जरूर है क्योंकि यहाँ बढ़त जरूर है बीजेपी को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इस बार वो भी घटा है। कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त और बनाई है और लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति देखी जा रही है पिछले के मुकाबले इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी के लिए कुछ लकीरें जरूर खींची हैं। आप बने रहिएगा रोमेल, लेकिन हम लगातार इस पूरे मसले पर जो रुझान है, जो नतीजे हैं, वो दर्शकों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। सुबह से ही स्वराज एक्सप्रेस पल पल की अपडेट के साथ मौजूद है अपने दर्शकों के साथ। बीजेपी 5 सीट पर जीत चुकी है जबकि कांग्रेस 1 सीट पर जीती है। और सीधा रुक करेंगे हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा में जुड़ गए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरपी श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आरपी श्रीवास्तव जी आपका। सर, जानना चाहूंगा आपसे कि जो इस बार के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी हालांकि खुश जरूर है क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हमारा पूरा बहुमत जो है आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के जो नतीजे हैं वो चिंता का विषय है। बीजेपी लगातार ये कहती रही कि गुजरात में विकास का मॉडल जो है वो काम करेगा, लेकिन ऐसे में पहले के मुकाबले और इस बार बीजेपी, लगता नहीं आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंतन की बात है ये? देखिए, मेरा ये कहना है कि बीजेपी का जो गुजरात का विकास मॉडल है उस पर तो चुनाव ही नहीं हुआ, ये तो दो जो है मोदी जी के व्यक्तित्व पर चुनाव हुआ। दूसरी बात है कि जो उन्होंने टारगेट किया था 150 का आंकड़ा पार करने का और वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसी तरह से देखिए मध्य प्रदेश में 200 का आंकड़ा पार करने की बात करें तो चिंता की बात तो है भाजपा के लिए। भाजपा अक्सर आंकड़े सेट कर लेती है और उसके तहत जो चुनाव लड़ने की तैयारी करती है। आपने अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा होगा भाजपा ने एक सेट अपना तैयारी करके रखी, तो हमें लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं एक तरह से एक चीज जो सामने आई है निकल के कि उन्हें बदलाव करना पड़ेगा अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उनको आने वाले चुनाव में करना। तो आप यह मान के चलिए कि जो मॉडल है, हमें लगता है गुजरात में मॉडल पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, इनकम्बेंसी आंशिक रूप से देखने को मिली है सिर्फ मोदी मैजिक की वजह से, बिल्कुल, और मोदी जी की मेहनत की वजह से ये बात पक्की है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है जी। एसपी त्रिपाठी जी, आप किस तरह से देखते हैं नतीजों को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस का लगातार तो पीछे जा रही थी, लगातार हार रही थी, इस नतीजे से चाहे हिमाचल प्रदेश का नतीजा हो चाहे गुजरात का नतीजा हो, एक कांग्रेस में संजीवनी आई है, जान फूकी गई है एक तरह से, और आगे आने वाले अब जो 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। और सब इसी दौरान राहुल गांधी जी की जो ताजपोशी हुई है अध्यक्ष पद के लिए, तो ये एक मैसेज गया है, बहुत सही समय पे राहुल गांधी जी की ताजपोशी की गई है और युवा वर्ग खासकर जिनके पास मैसेज है उनके लिए राहुल गांधी अब अध्यक्ष बने हैं तो कुछ नया करके दिखाएंगे। तो ये इन 4 राज्यों के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, सरकार बन गई, 150 का आंकड़ा था उनका, लेकिन 150 के आंकड़े से ये अंदाज लगाया जा रहा था कि 150 नहीं, अगर पिछली बार 115 सीट थी तो उसके आसपास ही सरकार बना लेगी शुरू से, क्योंकि गुजरात की अस्मिता के सवाल पे चुनाव लड़ा गया है। यानी गुजरात से अगर प्रधानमंत्री हैं तो अगर उनके राज्य में अगर उनको चुनाव हरा दिया जाएगा, वहां की जनता गुजरातियों की जो भावनाएं थी, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर 115 से नीचे आए हैं तो ये बीजेपी की एक कह सकते हैं कि जय में छिपी पराजय है। बिल्कुल, जय में छुपी पराजय है। जो नतीजे लगातार आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बताने को काफी है कि बीजेपी ने जो लगातार मेहनत की है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर एक बार फिर से बढ़त मिली है, क्योंकि सिर्फ एक मोदी ही फैक्टर ऐसा है जो कि हर जगह हर राज्य में काम करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर बीजेपी की, जैसे लगातार हमारे चैनल हेड बता रहे हैं कि इस बार गुजरात मॉडल पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, गुजरात मॉडल को इस बार कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है,
कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो है एक ऐसा समय जिसे गोल्डन चांस कह सकते हैं, जहां राहुल गांधी की ताजपोशी हुई है, एक उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदे की बात है और कांग्रेस ने यहां पर कहीं ना कहीं बढ़त भी बनाई है। पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो उसमें भी कांग्रेस जो है बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि रुझान जो है वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आते हुए जा रहे हैं, किसके खाते में कितनी सीटें पहुंच चुकी हैं और जो नतीजे हैं वो भी हम आपको दिखाते हुए लगातार चल रहे हैं। जी हाँ, तो हमारे पैनल में लगातार मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ धैर्यवर्धन सिंह हैं, धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ माफ कीजिएगा बीजेपी से हैं, साथ ही भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल हेड लगातार एसपी त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार राहुल गांधी एक करिश्माई जादू करेंगे गुजरात में, लेकिन जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं लग नहीं रहा कि कांग्रेस जो है जीत की ओर अग्रसर है। ये करिश्माई जादू से क्या कम है कि जहाँ पर जो है इन प्रकार सत्ता हथियाने के और उसका जो है जनमत को रौंदने के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास हैं वो जो है उन पर रोक लग गई है। बाहर गुजरात चुनाव में तो चुनाव प्रचार शुरू होने के ही पहले 15 विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की शुरुआत कर दी थी कि वो किसी भी तरह से सत्ता हथियाना चाहते हैं और वो सत्ता लोलुपता की उन्होंने लिप्सा की जो है अपनी सारी सीमाएं वहां पर प्रदर्शित कर दी थी। कांग्रेस तो वहां से शुरू हुई है और कांग्रेस ने जो है उस परचम को करके दिखाया है, जो वहां के जन आंदोलन है, जो वहां की जनता की आकांक्षाएं हैं उनकी उपेक्षा करके कितने दिन तक कोई सरकार सत्ता में रह सकती है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक ये दृश्य है कि जहाँ जहाँ जन आकांक्षाओं की जो है उपेक्षाएं हुई हैं, आज पूरी दुनिया जिस झंझावात में उलझी हुई है वहां पर अगर डेमोक्रेटिक मूल्यों को भारत में बचाने की चेष्टाएं नहीं होंगी तो कहाँ पर होंगी। आज हमने हमारी जो है सबसे परिपक्व डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहां पर जो है चुनाव जीतना या चुनाव हारना ही अपने आप में परिपूर्ण चीज नहीं हो सकती है। आपको जनता के सेंटिमेंट्स, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो डिलीवरेंस है, उन सब चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और सरकारें लगातार इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती हैं जिसको कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि साहब हमको हर किसी भी तरीके से सरकार में रहना है। आज भारत के अंदर जिस तरीके से सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को अपदस्त किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है पाला बदलवा कर सरकारें बनाई जा रही हैं और ये एक नया ट्रेंड भारत के लोकतंत्र में शुरू किया जा रहा है, ये उस ट्रेंड के ऊपर पहला तमाचा है जो गुजरात की जनता ने दिया है। बापू के प्रदेश ने जो है पहला तमाचा मारा है और वहां पर उन्होंने इस बात का प्रदर्शन किया है कि जन आकांक्षाओं को जो है केवल सत्ता और तंत्र के आधार पर आप अपहृत नहीं कर सकते हैं। आज जीतना हारना एक अलग मसला है, लेकिन लोकतंत्र की दिशा में, लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में एक ये परिपक्वता की तरफ जो है इशारा है। और जैसा कि आपके चैनल हेड त्रिपाठी जी ने कहा है, आगे जो है लोकतंत्र इन चुनौतियों से निपटेगा। जी सुनील जी, भूपेन जी से एक सवाल था। जी भूपेन जी, इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं जैसे वहाँ चुनाव जीत गए हो। जी बोल रहे हैं तमाचा मारा है, तमाचा तो आप पे पड़ा है। 22 साल का एंटी इनकमबेंसी फैक्टर आपके काम नहीं आया, हार्दिक पटेल आरक्षण काम नहीं आया, संवैधानिक सवाल उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, आपने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पटेलों को आरक्षण देंगे, वो भी काम नहीं आया आपका, जबकि इतना बड़ा मूवमेंट पाटीदार मूवमेंट चला था, वो भी काम नहीं आया। सौराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा पाटीदार है वहां आप पीछे हैं, ऐसी स्थिति में कैसे आप कह सकते हैं कि तमाचा है? ये आपको देश बताएगा, देश की जनता बताएगी, ये जो है अभी और सब फाइनल बोल तो आप रहे हैं, आप बताएंगे देश नहीं, नहीं, तो मैं बताया, मैं ही बता रहा हूँ और अभी जब फाइनल जब परिणाम सामने होंगे तब हम आपके साथ बैठेंगे, इसका भी विश्लेषण। परिणाम तो सामने है, अभी नहीं है, ये सामने नहीं है परिणाम, जीत के परिणाम सामने आने दीजिए। अच्छा पूरे हिंदुस्तान, बिल्कुल क्यों नहीं, हिंदुस्तान में ये जो उतावली आ रही है ये भी लोकतंत्र के लिए बड़ी हानिकारक है कि हम एक घंटे भी इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि हमारे सामने सार्थक परिणाम सामने आ जाए। हम रुझानों के आधार पर देश बनाना चाहते हैं,
कि ये जो समस्या है इस, ये मैं पहले जो भी ये परिणाम बात आए हैं भूपेन्द्र जी वो भी 5-1 है। हाँ तो ठीक है ना, 5-1 182 सीटें हैं, उसमें क्या दिक्कत है। जब तक पूरा 182 का अंतिम परिणाम नहीं आएगा भाई चर्चा करेंगे, हम भाग थोड़ी रहे हैं यहाँ पर, इसमें इतनी उतावली क्यों है। और जिन मुद्दों को आप कह रहे हैं कि वो मुद्दे समाप्त हो गए या हार गए हैं, उतावला नहीं भूपेन्द्र जी, हमको बता रहे हैं जो सामने दिख रहा है, सामने 5-1 दिख रहा है, सामने 5-1 दिख रहा है। रुझान को क्या बोलेंगे आप? रुझान को भी हम आपसे कहां, उससे इनकार कहां कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि परिणाम आने दीजिए, उसमें उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालने की इतनी जल्दी में क्यों है, मैं ये बात कह रहा हूँ। निष्कर्ष आप बिल्कुल बैठे हैं, निष्कर्ष निकालेंगे, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। अभी तो आपसे एग्जिट पोल पे बात करनी है भूपेन जी, अभी इसके बाद। हाँ मैं बोलकर गया था आपको कि हमारी 95 सीटें आएंगी, वो भी आपके रिकॉर्ड हो। अब तक लगातार कांग्रेस इस बात को कहती आ रही थी कि भैया जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर पूरा तंत्र जो है वो लग जाता है, बीजेपी जो है अपने फेवर में माहौल बना रही है, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम को लेकर अक्सर करके सवाल खड़े किए गए। यहां पर विराम लगेगा क्योंकि कांग्रेस इस बात को कह रही है कि भैया पूरे परिणाम आने दो, हमारी सरकार बनेगी तो यहां ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई गुजरात में, ये यहां पर कहीं ना कहीं विराम लगा है इस बात पर लगातार सवाल होना चाहिए। और मीडिया जो है सत्ता के साथ मिलकर भ्रम ना फैलाए, कांग्रेस ने इसमें जो बात की है वो ये बात की है कि हमने ईवीएम की खिलाफत नहीं की है, हमने इस बात की मांग की है कि जब हमारी देश की सरकार ने जनता के हार्ड अर्न्ड मनी का टैक्स का 3,000 करोड़ रुपया वीवीपैट मशीन खरीदने में खर्च किया है और उसको एक नई व्यवस्था के रूप में प्रचारित किया है, तो उसकी काम वोट काउंटर क्यों नहीं गिनने की तैयारी कर रहा चुनाव आयोग? सुप्रीम कोर्ट ने कोई मना नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िए आप, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, नहीं पढ़ा आपने? सुप्रीम कोर्ट ने हमने पढ़ा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब चुनाव प्रक्रिया चालू है तब हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसे याचिका के रूप में आप लाइए, हम इस पर आपको आदेश करेंगे, इसको आप जो है एक तरफा जीत कैसे प्रसारित कर सकते हैं? चुनाव प्रक्रिया चालू है, चुनाव आयोग ने स्वयं ये कहा था कि हम वीवीपैट मशीन इसलिए ला रहे हैं कि हम इसकी काउंटिंग भी करेंगे, जब हम तो केवल इतनी मांग कर रहे हैं देश से कि साहब 20% मशीनों की आप काउंटिंग कर लीजिए अगर आपको 100% की नहीं करना है, और इससे सरकार आयोग और सभी लोग इनकार कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? और देश में लोकतंत्र को बचाना है तो हर तरह के संशय को निर्मूल साबित करना पड़ेगा, ये हमारी एक ऐसी बड़ी संवैधानिक संस्था है। जी सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि आपने पढ़ा है, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेस कोई प्रतिनिधि थे उनने जो याचिका लगाई थी उसको खारिज किया है और ये कहा कि चुनाव आयोग जाइए, उसके बाद आप फिर से याचिका लगा सकते हैं, 20% में जो आप बीपीएड जो बता रहे हैं कि उसकी भी काउंटिंग साथ में की जाए, इसको खारिज किया है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 ही दिन हुए। जी हाँ, मैं आपको फिर आपको सब बता रहा हूँ कि आप उस आदेश को पढ़ लीजिए, जिस धारा का उसमें उल्लेख है उस धारा का भी आप अध्ययन करिएगा, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि चलती हुई जो चुनाव प्रक्रिया है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्देशित नहीं कर सकता है, और इसलिए इसको आप याचिका के रूप में लाएंगे तो हम इस पर बहस करेंगे। और चुनाव प्रक्रिया चल रही है अभी, और ये काम चुनाव आयोग का है कि उसको जो है जिस उद्देश्य के उसने स्वयं प्रचारित किया है वीवीपैट मशीन का, और उस उद्देश्य की से जो है सफलता के लिए वो कदम पीछे हटा रही, तो ये चुनाव आयोग का दायित्व तो है, उसको ये काम करना चाहिए। और ये देश का हर व्यक्ति आपसे चर्चा करेगा, आज 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ रुपया देश की जनता का टैक्स का पैसा इस काम पे खर्च किया गया है, क्या निरुद्देश्य था वो? उस उद्देश्य की पूर्ति क्यों नहीं कर रही है आयोग? ये मांग अगर हम कर रहे हैं तो इसमें गैर जायज क्या है? ईवीएम लाया कौन था भूपेन जी? भाई ईवीएम से और वीवीपैट से क्या संबंध है? दुनिया में विकास हम लाए थे ना, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि हम लाए थे? हम तो ईवीएम की चर्चा, हम तो वीवीपैट की चर्चा कर रहे हैं कि आज अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ वीवीपैट आ गया है तो वीवीपैट के परिणामों से उसकी जो है तुलना करिए ना, उसमें किस उद्देश्य से आपने 4,000 करोड़ फूके देश को, या तो ये समझा दीजिए कि हमने जो है मजाक करने के लिए 4,000 करोड़ रुपया फूके वीवीपैट मशीन पर, अगर उनकी काउंटिंग नहीं करनी है तो देश को कुछ तो आप जवाब दीजिए, इसमें चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। बात आई, धैर्यवर्धन शर्मा भी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। धैर्यवर्धन जी आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। सवाल मेरा आपसे, 150 जीतने का लक्ष्य था आपका, लगातार आप ये कह रहे थे कि इस बार भैया 150 का आंकड़ा हम पार कर लेंगे, लेकिन रुझान कुछ और है। देखिए पहले तो भूपेंद्र गुप्ता जी की बात का जवाब दे दूं मैं, क्योंकि ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर बैठ करके, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जनता इनको लगातार नकार रही है और ये नित नए बहाने खोलते हैं। अरविंद केजरीवाल कंधे पर बेताल लेकर घूम रहे थे ईवीएम का, इन्होंने उनसे मांग लिया उधार,
कि भैया आप हमें दे दो, क्योंकि हारने के बाद रोने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यालय पर हो सकता है ईवीएम का डेमो पहुंच भी चुका हो, जिसको ये दिखाएंगे और वहां पर छाती पीटेंगे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। देखिए, जहां तक सीटें कम होने की बात है, उसमें कई कारण हैं। मैं लगभग 1.5 महीने से ऊपर तक गुजरात में ही रहा चुनाव में। मैंने वहां पर देखा भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे चेहरे जिनके बारे में इतनी रिपोर्ट मिल रही थी कि इनकी पब्लिक से दूरी हो गई है, इनको चुनाव में कठिनाई आने वाली है, ऐसे बहुत सारे टिकट और काटने वाली थी। अब परिणाम सामने आ रहा है, जो मुझे समझ में आया वो मैं बहुत साफगोई के साथ आपको बता रहा हूं। पर वो ऐसे प्रत्याशी जिनके टिकट काटने थे, आखिरकार वो भी किसी न किसी जाति को बिलोंग करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जातिवाद का भयानक ज्वार उत्पन्न किया, सारे गुजरात को जातिवाद की अंधी खाई में धकेल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगा कि चुनाव के संवेदनशील मौके पर हमको दो तरफ से तोपों का सामना नहीं करना है। एक तरफ से जातिवादी तोपे हैं, तो एक तरफ से हमारे अपने उम्मीदवार जिनके टिकट काटेंगे उस असंतोष का और उनके समर्थकों के द्वारा की जाने वाली किसी प्रकार की गड़बड़ी का सामना भी करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने रिस्क ली, उन लगभग 40 चेहरों को जो और काटे जा सकते थे उनको वापस चुनाव में भेज दिया कि भैया विनम्रता पूर्वक फिर हाथ पैर जोड़ो जनता के, और भारतीय जनता पार्टी से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मोदी जी से किसी को कोई तकलीफ नहीं। जातिवाद की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? जातिवाद की राजनीति नहीं करती। वो प्रेजेंट एमएलए से चुनाव जीत करके आए थे, अगर उनके टिकट काटे जाते तो उनके समर्थकों को कांग्रेस के लोग मिलकर के उस आग में शामिल कर लेते जो आग इन्होंने जला के रखी थी ऑलरेडी गुजरात में। आप ये देखिए, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए सारे प्रदेशों पर आप नजर डालिए, सबसे सुंदर प्रदेश जहां सबसे कम जातिवाद है वो गुजरात है। वहां जाके आप देखिए, उनके कल्चर में जातिवाद है ही नहीं, बैठना खाना पीना ओढ़ना साथ चलना कहीं जातिवाद नहीं है। पर कांग्रेस ने उसको वापस मध्य युग में ले जाने का पाप किया, फिर से कांग्रेस में जातिवाद का जहर घोला। कांग्रेस ने गुजरात में 3-4 अपने उंगलियों के इशारों पर नाचने वाले वो नौजवान अल्पेश जिग्नेश हार्दिक खड़े करके पूरे गुजरात को अलग अलग जातियों में खंड खंड में बांटने का पाप किया, और उस खिचड़ी को ये पकाना चाह रहे थे उस आग पर भला हो गुजरात की जनता का। जातिवाद साथ लिया तो आपने पाकिस्तान का साथ ले लिया। पाकिस्तान को क्या साथ लेना, पाकिस्तान में तो ये जाकर के षड्यंत्र करके आते मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को कैसे निपटाएं, मोदी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी भैया जब चले जाएंगे तब हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, ऐसी सरेआम मंत्रणा पाकिस्तान में जाकर ये करते। सारी चीजें शर्मा जी अलग है, तो मतलब आप जो ये नारा देते हैं अब की बार 200 पार 65 पार आपने छत्तीसगढ़ में नारा दिया, 150 पार गुजरात में नारा दिया, तो ये मैंने जुमलेबाजी है ना, ये मान लिया जाए आपने 100 अगर आपने टिकट नहीं काटे 40 तो मतलब आपको मालूम था कि हम 150 पार नहीं जा रहे, तो फिर ये नारा क्यों बुलंद कर रहे थे? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता अध्यक्ष या कोई और अगर जो खुद सोच ले वैसा होने लगे तो फिर चुनाव की महत्ता क्या है, फिर जनादेश का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी का अपना चिंतन था, उसको लग रहा था कि हम 150 प्लस कर लेंगे। पर ठीक है, जनता को जिन लोगों को सबक सिखाना था, भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों को चुनाव हरा दिया जहां पर जातिवाद ज्यादा हावी हो गया था, वहां भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोग भी निबट गए होंगे, आग में झुलस गए होंगे। कोई बात नहीं, आपका चैनल स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि हम शतक बनाने के करीब हैं, 100 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, और मैं भी आपका मुंह मीठा कराना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जबकि चौतरफा बीजेपी को घेरने का प्रयास किया, और मोदी जी से चिढ़ हैं लोगों को, मोदी जी से कुड़ने लगे हैं। इतनी घटिया भाषा कभी किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपने नहीं सुनी होगी, जैसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोग मोदी जी को लेकर के करते हैं, और वो बहुत ही निंदनीय भी है और बहुत शर्मनाक भी है और बहुत कष्ट होता है। आप आलोचना करिए, कठिनतम शब्दों का प्रयोग करिए। शर्मा जी, अगर गुजरात की अस्मिता वाला मुद्दा और अंडरवर्ल्ड का भय दिखाने वाला मुद्दा आप नहीं दिखाते तो संभवतः ये स्थिति नहीं होती। बुढ़िया मर गई, उसका गम नहीं है, मौत दरवाजा देख गई है। आप ये स्थिति देखिए कांग्रेस की, कि अगर आप कांग्रेस 61 से जाकर के अगर 75 पहुंच रही है तो आने वाले 4 राज्यों में और 2019 में क्या होने जा रहा है ये देखिएगा।
देखिए 22 साल के बाद थोड़ा बहुत नफा नुकसान होता है, अब सरकार बन गई है, उन सब बिंदुओं पे जवाब लूंगा हर्षवर्धन जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इस बार एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री है वहां पर, वो राजकोट पश्चिम से जीत चुके हैं, उनकी सीट जो है वो क्लियर हो गई है। हालांकि शुरुआती दौर में लगा था कि विजय रूपाणी जो है कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने जीत का परचम लहराया है। और ऐसे में बीजेपी ने 9 सीटों पर अब तक कब्जा कर लिया है, जबकि कांग्रेस के अभी तक खाते में महज एक ही सीट जा पाई है, जबकि बीजेपी के खाते में 9 सीट जो है वो क्लियर हो चुकी है। विजय रूपाणी जीत चुके हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस पर सबसे पहले नतीजे, गुजरात में नतीजे जो आ रहे हैं वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 8 सीटों पर जीत चुकी है, जबकि एक सीट ही ऐसी है जो कि कांग्रेस के खाते में गई है अभी तक। 97 पर बीजेपी अभी भी आगे है, जबकि अगर बात की जाए 72 सीटों पर तो कांग्रेस आगे चल रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये खबर जो है वो ठीक नहीं है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी जो है वो बढ़त में है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चिंता और चिंतन की बात यह भी है कि बीजेपी ने 150 का नारा दिया था और लगातार जो बीजेपी की पहले की स्थिति जो थी उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे है, लेकिन बीजेपी 94 सीटों पर आगे चल रही है। 8 सीटें अब तक बीजेपी के खाते में जा चुकी है। जी धैर्यवर्धन जी, त्रिपाठी साहब ने जो विषय उठाया था कि यदि अंडरवर्ल्ड का हवाला दिया, ये सब जो विषय आपने छुए, मुझे लग रहा है कि आईने दिखाया था। देखिए 22 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था तो आप किसी भी गुजराती मित्र से आप पूछिए, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वडोदरा हो, चाहे राजकोट हो, हर बड़े जिले में प्रतिवर्ष वहां दंगा होता था। दंगा होने का मतलब होता था महीनों तक कानून व्यवस्था ध्वस्त, महीनों तक व्यापार ठप, जनहानि, व्यापार हानि, धन हानि, हर प्रकार की हानि होती थी, कानून व्यवस्था को ताक पर रख रखा था। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, सरकार कांग्रेस की थी, सरकार आंख मूंद कर वह सब होने देती थी, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को निजात दिलाई। 22 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ, दंगे थम गए। गोधरा का दंगा भी वहां के कुछ उपद्रवियों की उपज थी, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। तो जब ऐसा लगा कि चुनाव में जातिवाद को बहुत बढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हमारे नेतृत्व ने भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी लोगों को याद दिलाया कि भाई 22 साल पहले के गुजरात में और अब के गुजरात में जो अंतर है वो महसूस करिए, वो भूलिए मत। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूं, 22 साल पहले जो 6 साल का बच्चा था, 7, 8, 9, 10, 11 साल का बच्चा था, या वो लोग जो माँ के पेट में भी नहीं थे वो मतदाता बन गए, उसमें तमाम लोग हार्दिक के, अल्पेश के, जिग्नेश के जातिवाद में बह गए, पर जो 40 से ऊपर के मतदाता थे उन्होंने थाम के रखा कि नहीं भाई, हमको गुजरात का वो चित्र भी याद है, हमको बदले हुए गुजरात का चित्र भी याद है, इसलिए इस तूफान का डटकर मुकाबला करो और जय जय गरीबी गुजरात का नारा बुलंद करो, हम सब मोदी जी के साथ हैं, हम सब विकास के साथ हैं, कारण पूछू गुजरात, पूछू विकास। शर्मा जी, कारण यही था कि कांग्रेस ने तो नहीं प्रोजेक्ट किया अहमद पटेल को, आपने प्रोजेक्ट कर दिया अहमद पटेल को मुख्यमंत्री, उनके पोस्टर छपवा दिए कि अहमद पटेल मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस के, ये अहमद पटेल जी ने बोला, यही भय दिखाने के लिए, ये अहमद पटेल जी ने बोला कि मेरे पोस्टर लगवा दिए, और मुझे लग रहा है आप उसको ही कोट कर रहे हैं। तो अब उस बात का कोई ज्यादा महत्व नहीं बचा, किसने लगाया, कांग्रेस ने तो लगाया नहीं, ये बीजेपी ने लगाया। उनका कोई शुभचिंतक होगा, उनका कोई कार्यकर्ता होगा, नाते रिश्तेदार होगा, उसके मन में ये होगी बात कि काश कांग्रेस की सरकार बन जाए और मेरे चचा जान मुख्यमंत्री बन जाए, उसके मन चचा जान का भय दिखाया जनता को। मैं बोल रहा हूँ उनका भतीजा रिश्तेदार होगा, पोस्टर लगा दिया होगा, लगा सकता कोई अपने फूफा का, चचा का, ताऊ का, भूपेन जी आपके समर्थकों ने लगाया था क्या? इस पे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, इस पाखंड को देश जानता है और इनके कितने तरह के पाखंड होते हैं इसको देश भली भांति समझता है, उसको बताने की कोई आवश्यकता बार बार नहीं है। दूसरी चीज जो है, मैं आपसे कहूँ कि ये दम्भोक्तियों का जो है युग जो लाए हैं ये जल्दी जाएगा। किस तरीके से जब देश का प्रमुख व्यक्ति जाकर गुजरात की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहता है दलितों के बीच में जाके कि हमने तुम्हारी जात का राष्ट्रपति बना दिया, तब वो जातिवाद नहीं करता है, लेकिन वो एक 23 साल का लड़का जातिवादी है, वो एक 25 साल का लड़का जातिवादी है जिसकी समाज के लोगों को नंगा करके जो है सड़कों पर पीटा गया है, वो लोग जातिवादी हैं।
और ये जातिवादी नहीं है जो देश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठकर कहते हैं कि हमने तुम्हारी जात का राष्ट्रपति बना दिया है। ये जो पाखंड है, ये जो दो मुहापन है राजनीति का, ये देश जान चुका है और स्पष्ट है। आएंगे सामने, जल्दी आएंगे सामने, बिल्कुल। और सीधा रुख करेंगे बीजेपी कार्यालय का। इस वक्त हमारे सहयोगी निर्मल सिंह बैस वहां पर मौजूद हैं। निर्मल जी, भाजपा कार्यालय से आप सीधा मौजूद हैं, क्या कुछ वहां की ताजा तरीन तस्वीरें? बिल्कुल, तस्वीरें तो मैं आपको दिखाऊंगा सुनील, लेकिन फिलहाल हम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं उनसे इस जीत पर प्रतिक्रिया मान लेते हैं। लगभग बीजेपी जीत जाएगी, सरकार बन जाएगी, ऐसा तो लग रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं, सरकार बनेगी और अच्छी सम्मानजनक सरकार बनेगी। हमारे जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनकी जोड़ी ने जो काम किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम जो हुआ उसका भी हमें परिणाम आया है। निश्चित रूप से अच्छी सरकार बनेगी और हिमाचल में भी हमारी बहुत अच्छी उससे सरकार बनेगी। अगर गुजरात की बात करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 150 पार के भी नारे दे रहे थे विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी 150 बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जीत की भी समीक्षा की जाना चाहिए। है जीत, जीत होती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये पांचवी बार बन रही है। लगातार 22 साल से जो हम सत्ता में काबिज रहे हैं, राज में रहे हैं, तो उसके कुछ परिणाम भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पार करते हुए सरकार बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात। रामपाल सिसोदिया जो है हमारे साथ आई, उनसे प्रतिक्रिया जानते हैं, क्या कहेंगे इस जीत पे? विकास की जीत है। गुजरात का विकास का जो मॉडल था, जनता ने उसको साथ दिया है। ये जीत जहां एक तरफ भाजपा की जीत है, विकास की जीत है, गुजरात की जीत है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो जातिवाद की बात कांग्रेस ने जाकर गुजरात में कही थी, उस बात को भी गुजरात ने नकारने का काम किया है, देश ने नकारने का काम किया है। इस परिणाम में आप क्या देखते हैं, हार्दिक फैक्टर एंड कंपनी ने कितना काम किया? नहीं देखिए, हार्दिक का फैक्टर तो था नहीं वहां पे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें चाहे गुजरात का चुनाव देखें, दोनों चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जो निर्णय होता है वो निर्णय हमेशा उन लोगों को साथ में लेकर होता है जिनका ऑलरेडी वहां पर कोई जनाधार नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश का साथ लेकर उनने लड़ने का काम किया और बुरी तरह हारे। यहां भी हार्दिक भाई पटेल, जिग्नेश जी और अल्पेश जी के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया और बुरी तरह शिकस्त खाने का काम किया। बिल्कुल, अपनी बातचीत जारी रहेगी। मैं अपना कैमरा मैन से कहूंगा कि यहाँ के वो जो तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की वो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में भी इस जीत का किस तरीके से देखते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में, निर्मल जी बिल्कुल साफ तौर पर ढोल नगाड़ों की आवाज आ ही रही है, साथ ही बीजेपी के चेहरे भी हमें नजर आ रहे हैं, विश्वास सारंग भी वहां पहुंच चुके हैं। मतदान केंद्र तक हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम विश्वास जी से भी और जो है चुनाव के लिए तैयार हैं। विश्वास सारंग जी जो है की मंत्री है, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं, ओवरऑल इस जीत पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी जीत है, ये विकास की जीत है। दो परंपराएं गुजरात में जनता के बीच आई थी, एक परंपरा थी नेहरू की जिन्होंने देश का विघटन किया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया इंदिरा जी ने, उसी परंपरा को राजीव जी, सोनिया जी और राहुल जी ने बढ़ाया। एक परंपरा थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, जिन्होंने देश को एक करने का की परंपरा की शुरुआत की थी, उसी की परिपाटी को आगे बढ़ाया मोदी ने। जनता के सामने दो विचारधारा थी, एक नेहरू की विचारधारा, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा, एक विघटन की विचारधारा, एक संगठन की विचारधारा। गुजरात की जनता ने संगठन को माना, गुजरात ने एकता को माना, विकास को माना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी जी के विचार को अपनाया, विघटन की राजनीति को, जाति की राजनीति को धता बताया। आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी कहीं ज्यादा आजकल अति उत्साह में नजर आ रही है? 150 पार का नारा दिया गया था, उतना तो इस समय होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम हर जगह जीत रहे हैं, अब आप हमें उत्साह भी नहीं मनाने दोगे? हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो भी तो बातें, आप उनकी बात नहीं कर रहे, वो दावे कर रहे थे जीत के, कहाँ है वो? राहुल गांधी जी छाती ठोक ठोक के कह रहे थे कि हमने जोड़ा है, इन्होंने तोड़ा है, गुजरात की जनता ने देखा कि किसने तोड़ा, किसने तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस की जो सीटें आ रही है उसमें हार्दिक पटेल फैक्टर कितना मानते हैं? देखिए ये बच्चों बच्चों की बात हमें नहीं करना चाहिए, अब मामला खत्म हो गया, विकास की बात आएगी तो विकास की राजनीति आगे जाएगी। आपको क्या लगता है ये जश्न और जीत मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जारी रहेगी? देखिए हम तो विकास की बात करते हैं, चुनाव जीतना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सत्ता में आए, चुनाव जीतना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम जनता का कल्याण करें, विकास करें। निर्मल जी इस बार विकास को लेकर तो शायद धरातल पर कोई भी पार्टी नहीं थी चुनावी मैदान में, लेकिन हाँ जातिगत तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो जातिगत राजनीति जरूर करती हुई नजर आ रही थी। विश्वास जी से पूछिए जरा, विकास को लेकर लगातार कह रहे हैं, अगर विकास का मॉडल जो है देश भर में गुजरात का पेश किया जाता है तो 150 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी। बिल्कुल स्टूडियो से सवाल है कि अगर विकास जी स्टूडियो सवाल है कि अगर विकास की बात होती तो 150 से ज्यादा सीटें आती, कहीं अगर विकास की ही बात करते हैं तो 150 से ज्यादा सीटें आती, कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति भी हावी रही। नहीं देखिए जाति की राजनीति हावी करने की कोशिश की गई पर हुई नहीं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं निश्चित तौर पर यह संगठन की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये अमित शाह जी के नेतृत्व की जीत है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विकास को पानी पिलाया जनता ने? नहीं निश्चित तौर पर विकास की जो बात है वो स्वीकार करने का काम किया है गुजरात की जनता ने, जातिवाद को नकारने का काम किया, विघटन की राजनीति को नकारने का काम गुजरात की जनता ने किया है, और ये जो जीत हुई है ये गुजरात के विकास की जीत हुई है। तो विकास का नारा यहाँ दिया जा रहा है सुनील, अब मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन जो है अतुल आपको, हमारे दर्शकों को यहाँ के जो नजारे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप जो आप सुन रहे हैं वो कहाँ बज रहे हैं, कैसे बज रहे हैं वो दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है महिला मंडली जो है एक तरह से यहाँ जमी हुई है, ये कैमरामैन अतुल जैन जो है इस समय यहाँ के दृश्य दिखा रहे हैं, और पूर्व महापौर कृष्णा गौर जो है कमल का झंडा, पार्टी का झंडा फहरा रही है। और जहाँ आप भी जानना चाह रहे होंगे सुनील की ढोल नगाड़ों की थाप की आवाज कहाँ से आ रही है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी में जश्न का माहौल जो है, और जो ढोल नगाड़ों की थाप है, और जो नाच और जो दृश्य जो डांस यहाँ पे खुशी में किया जा रहा है, वो ये कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। तो एक तरह से सुनील देखा जा सकता है कि बीजेपी इस समय गुजरात की जीत से पूरी तरह से जश्न के माहौल में है। जैसा कि हमारी अभी जिनके नेताओं से बात हुई थी तो सभी विकास को जो है विकास को प्राथमिकता दे रहे थे, उनका यह कहना था कि जातिगत राजनीति कांग्रेस करती है और बीजेपी विकास की राजनीति करती है, और यही वजह है कि वो सरकार गुजरात में बना पा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जो प्रदर्शित हो रहा है कहीं ना कहीं वो सुनील साफ जाहिर है कि बीजेपी कार्यकर्ता जश्न के मूड में है, और कहीं ना कहीं जैसा कि हमारी बात हुई थी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो बीजेपी के नेता है वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। जी सुनील बिल्कुल, निर्मल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल पैनल का रुख करते हैं। हमारे खास पैनल में मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल हेड लगातार हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में। एसपी त्रिपाठी जी, जो माहौल चुनावी दरमियान में बना गुजरात में उसे साफ तौर पर देखा जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए यह राह आसान नहीं, चाहे बेशक विकास का मॉडल देश भर में पेश किया गया हो कि गुजरात एक मॉडल है जहां भाजपा को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हर ओर से ये आवाज उठी कि इस बार कांग्रेस जो है वो बीजेपी की नैया को डूबेगी। लेकिन ऐसे में मणिशंकर अय्यर जब बीच में आ जाते हैं तो क्या माना जाए, एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा अय्यर के बयान से? देखिए अय्यर का बयान, बिल्कुल सही सवाल आपने किया, अय्यर जी के बयान से जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात की अस्मिता माने मोदी जी की अस्मिता को लेकर के जो कार्ड खेलना चाह रही थी वो ढंग से खेल नहीं पा रही थी, और जो उस समय तक इलेक्शन था वो काफी कसमकस था, हो सकता है ये 5-7 सीटों का अंतर और होता तो ये ना पूरी बाजी पलट जाती। ऐसी स्थिति में अय्यर जी ने जिस तरह से बयान दिया और बयान देने के बाद तुरंत राहुल गांधी जी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से उनको बर्खास्त किया, हटाया, बीजेपी ने उस पूरे मामले को खेल लिया, और उसके बाद भी पाकिस्तान का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे, भय दिखाने का मुद्दा कि अगर ऐसा होता फिर सांप्रदायिकता, तो ये सारे मुद्दे जो अंतिम 3-4 दिन हुए हैं उसका ही ये रिजल्ट है, नहीं तो 2 या 4-5 सीटों का अंतर होता, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन
ये जो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि ये अगर ठीक है गुजरात आपने बना लिया, लेकिन आने वाले चार राज्य ये खतरे की घंटी होंगे, जो जिस तरह से राहुल गांधी की ताजपोशी के साथ ही ये रिजल्ट आए हैं, 61 से आखिर 15-16 सीटें गेन की है उन्होंने, तो वो एक, इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, हिमाचल सारे आकलन ये कह रहे थे कि 10 से 12 सीट, 13 सीट, मैक्सिमम 15 सीट आएगी, 22 प्लस जा रही है हिमाचल में भी, और जबकि वहां का एंटी बिल्कुल, बाकी राज्यों की भी दशा को समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परिणाम रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। संकेत कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार आ रही है, और ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं और उनकी बात पर, उनके काम पर गुजरात ने 22 साल बाद फिर एक बार गुजरात में अवसर दिया है, हिमाचल में भी अभूतपूर्व विजय हासिल की है, अमित शाह जी को उनके कुशल नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं, 19वीं राज्य में सरकार बनेगी, गुजरात मिला के 18 राज्यों में अभी तक सरकार थी। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, गुजरात के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जब एक बड़ा निर्णय लिया है, और हिमाचल की जनता को भी बधाई देता हूं कि ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चुनाव और इसका नतीजा सामने। गुजरात और हिमाचल के नतीजों से छत्तीसगढ़ में कितना बदलाव हो सकता है आने वाले, ये दो बदलाव आएंगे गुजरात के, और इससे एक में इसका असर होगा, अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है वहां बड़ी सफलता मिलेगी, और फिर छत्तीसगढ़ में जो 2018 के चुनाव है निश्चित रूप से इसका एक पॉजिटिव असर छत्तीसगढ़ में जाएगा, और छत्तीसगढ़ में चौथी बार सरकार बनाने में हम सफल होंगे। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव में नजर आई है कि अन्य दल इसमें खाता नहीं खोल पाए हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सीधी लड़ाई गुजरात में हिमाचल में दिख रही है, छत्तीसगढ़ में भी हम मानते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा, पर मूल विषय रहता है कि प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला सभी जगह देश का दावा नेता होने के नाते आप क्या मानते हैं कि 50 का टारगेट जो बीजेपी रखी थी उसको अचीव नहीं कर पा रही, क्या कारण? देखिए 22 साल बाद चुनाव के लिए सरकार बन रहे हैं, और सारे निगेटिव मामले कांग्रेस ने उठाए, जातिवाद को सामने लाया, किसानों को मुद्दा को सामने लाया, सभी जो भी मुद्दे हो सकते हैं उन्होंने लाया, उसके बाद भी गुजरात में जो मैंडेट दिया है वो निश्चित रूप से बधाई की बात। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं सर कि 110 सीट भी यदि बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की हार है, अब यदि ऐसे ही उनका पूरा जीवन चलता रहेगा कि सीटों पे ही कमी तरह सरकार बनना, एक वोट से भी सरकार बनना है, इन्हें सरकार बनना है, और 22 साल बाद यदि सरकार बनती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की परफॉर्मेंस भी बढ़ी है। ठीक है, तो एक एक बढ़ाते रहे तो ऐसे में 50 साल लग जाएगा। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह, साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार बनाना ये महत्वपूर्ण है, न कि ये कि कौन कितनी सीटें पा रहा है, सरकार हमारी बन रही है और ऐसे में हमें खुशी है। कांग्रेस लगातार जो सीटें बढ़ाने की बात कर रही है, 50 साल लग जाएंगी, जब एक एक करके सीट बढ़ेंगी तो 50 साल भी बीत जाएंगे, ऐसे में बीजेपी राज करती रहेगी। सीधा रुख करेंगे अपने स्टूडियो का, हमारे खास पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चैनल हेड भी मौजूद हैं। एसपी त्रिपाठी जी, लगातार जैसा कि आपने बताया कि मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस की नैया को डुबाने का वो काम किया गुजरात में, जैसा कि अंतर अभी भी आपने बताया कि एक दो सीट का ही अंतर रहता था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर इन परिणामों का क्या असर पड़ेगा, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए सीधे तौर पे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, और भूपेन जी को भी थोड़ा सा हमेशा निगेटिव बोलते रहते, पॉजिटिव बोलने का मौका मिलेगा, ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव साइन है विशुद्ध रूप से। कर्नाटक बताया, कर्नाटक में भी देखिए कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस पहले से ही हिमाचल में एक तरह से मान बैठी थी कि हमारी यहाँ हार होगी, एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ होगा, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में मोदी जी के साथ था, लेकिन मोदी जी की अस्मिता, बीजेपी की नहीं, मोदी जी की अस्मिता का मुद्दा लेकर के वहां चुनाव लड़ा गया कि अगर मोदी जी को अगर गुजरात से अगर डिफीट मिलती है, हारते हैं, तो पूरे देश में हमारा गुजराती भाई कहां जाएगा, तो गुजराती भाई वाला मुद्दा यहां हावी हो गया था। अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों जगह एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ रहेगी, और कांग्रेस बेहतर कर रही है, क्योंकि नया प्रयोग, हर आदमी को लगता है कि नया प्रयोग हुआ है तो बेहतर होगा, तो राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद चूंकि युवा हैं, और इसके पहले आपने देखा होगा
कि केजरीवाल भी अगर चुनाव जीते हैं तो मात्र युवा मतदाताओं के कारण जीते हैं, मोदी जी जो 2014 में जो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते थे तो पूरा युवा वर्ग उनके साथ था। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी को युवा वर्ग को किस तरह से वो संभाल पाते हैं, किस तरह से नहीं, और कांग्रेस किस तरह से उनको जोड़ पाती है। लेकिन जो अभी के साइन है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए कांग्रेस के लिए बेहतर संकेत है। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, क्या मानते हैं आप, खासतौर पर असर पड़ेगा मध्य प्रदेश की राजनीति पर इन परिणामों का? कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हजारों की तादाद में छोड़कर भाग जाते कांग्रेस को, शायद वो जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे, क्योंकि वो जहाज जब डूबता दिखता है तो भाग जाते हैं, भगा लाते हैं। नहीं नहीं, वो ये खुद ही भागते, ये बहुत ही कलाकार लोग होते हैं, तो मुझे लगता है अब इनको एक आशा की किरण है कि अभी इज्जत बचाने लायक है, इतना लाभ इनको हो जाएगा। बाकी हमें एक सवाल इसमें एक सवाल और मेरा बनता है धैर्यवर्धन जी, जैसा कि भूपेन गुप्ता जी लगातार कह रहे थे कि भैया देखो गुजरात में तोड़ने का काम किया गया, कई विधायकों को इन्होंने हमारे साधा, बीजेपी यही काम करती है, क्या माना जाए बाकी जो कांग्रेस के जो चेहरे हैं आप भी उन्हीं पर दाव खेलना चाहते हैं, या फिर आपके जो तमाम और नेता हैं जो लगातार बीजेपी का झंडा और डंडा लेकर चल रहे हैं लंबे अरसे से, आप उनको आगे लाने की बात करिए? आप क्यों ऐसे डूबते हुए जहाज के जो लोग हैं जो उसमें बैठकर जा रहे थे उन लोगों को आप अपनी नाव में सवार कर लेते हैं? अच्छे लोग कहीं भी हो सकते हैं, देश के हर कोने में होते हैं, हर राजनीतिक दल में होते हैं। यदि ऐसे लोग कहीं छटपटाहट महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमें मुख्यधारा में आना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, वो पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत वैसा निर्णय। आरोपों का मैं एक जवाब जरूर देना चाहूंगा। अभी आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि ये इन्होंने राष्ट्रपति जी का उल्लेख किया कि राष्ट्रपति जी अमुक जाति के हैं। स्टूडियो में मुझसे अगर एक प्रश्न दाग दिया जाए कि आपने किसी मुस्लिम का समर्थन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं क्यों पर महामहिम जो राष्ट्रपति रहे हैं देश के अब्दुल कलाम साहब का नाम नहीं लूंगा? अगर मुझसे कहा जाएगा कि आप दलित की चिंता नहीं करते तो मैं गर्व जी का जी, कोविंद साहब का, मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता मुख्तार अब्बास नकवी वगैरह उनका नाम लूंगा। ठीक है, गुजरात में भी आपने 5 टिकट दी है, 1 जीत भी गए हैं अल्पसंख्यक, वो हमारा नया चेहरा है, अच्छा चेहरा है, लीडर बनेंगे। अच्छा, अच्छे लोगों को आप बहुत लेट पहचानते हैं। भागीरथ जी को जब कांग्रेस से टिकट मिल गई और उसके बाद लड़ने जा रहे थे, फिर आपको पहचान हुई कि बहुत अच्छे हैं और उनको आपने बीजेपी से टिकट दे दी? भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का निर्णय करने के लिए एक समिति होती है, वो उनसे जब कांग्रेस की समिति ने भागीरथ जी को टिकट दे दिया तब आपने दिया, फिर उसके बाद उनको तोड़ लाए। राव उदय प्रताप सांसद रह चुके कांग्रेस से, उनको बाद में आपने पहचाना, बहुत अच्छे हैं। तो कांग्रेस को अपना घर बचाना चाहिए, आप हमला हमारी ओर करें उससे बेहतर है उनकी ओर करिए जो अपने लोगों को बचा ही नहीं पा रहे। मतलब कांग्रेस मुक्त नारे को आप कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं? देश पूरा हमारा है जी, सारा का सारा जी, और चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, यदि वो राष्ट्रवाद की दिशा में कदम से हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाहें फैलाकर दिल खोलकर हम सब उनका स्वागत करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी भी जिस दिन उब जाए और अगर उनको लगे कि मैं तो बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ और कहाँ मैं चक्कर में पड़ा हूँ, तो उनका भी स्वागत होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो बीजेपी कार्यालय के लिए निकल चुके हैं और वहां पर जो तमाम लोग वो पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के जो समर्थक पहुंचे हुए हैं उनके बीच मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। ये लगातार जो है हमारे सहयोगी भी वहां पर बने हुए हैं, वो भी पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत की ओर अग्रसर है और ऐसे में खुशी का माहौल जो है वो बीजेपी के खेमे में साफ तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यालय पहुंच चुके हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में तमाम जो नेता और तमाम दर्शक वहां पर मौजूद हैं उनके बीच जो है वो पहुंचे हुए हैं, उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर हैं, ढोल नगाड़े वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, उस बीच में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल देखा जा रहा है। महिला विंग की अगर बात की जाए तो वो भी साफ तौर पर बड़ी तादाद में वहां पहुंची हैं।
गुजरात के नतीजे, मध्य प्रदेश में डांस, सीधे तौर पर देखा जा रहा है जो गुजरात में नतीजे आ रहे हैं उसका असर जो है मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, बाकी अन्य राज्यों में भी देखा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जश्न का माहौल है बीजेपी के खेमे में। साफ तौर पर वहां बीजेपी के समर्थक पहुंच रहे हैं, ऐसे में महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं। बीजेपी कार्यालय के परिसर की ये तस्वीरें जहां पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो प्रदेश बीजेपी में जश्न का माहौल है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात हिमाचल के जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद लगातार बीजेपी में जश्न का माहौल, मिठाई खिलाई जा रही है, बधाइयां दी जा रही है, आतिशबाजी भी की जा रही है और ऐसे में नृत्य भी देखा जा रहा है। जश्न का माहौल है, हर कोई ठुमके लगाता हुआ नजर आ रहा है। सीधा रुख करेंगे अपने पैनल का, हमारे पैनल में खास मेहमान जो है वो मौजूद है। एसपी त्रिपाठी जी, जैसा कि माहौल लगातार देश भर में बना है और इस देश भर में जो माहौल बना, एक दौर वो भी आया क्योंकि उस बात को भी नहीं भूला जाएगा जब जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे, और जो नारे लगे तो वो नारों के साथ ही बीजेपी के साथ साथ तमाम लोगों ने, देश भर के लोगों ने खंडन किया कि भैया इस तरीके के नारे खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में नहीं होने चाहिए, देश भर में नहीं होने चाहिए, भारत में रहकर आप भारत विरोधी नारे लगाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी वहां पहुंचे, क्या माना जाए इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो है इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, इन तमाम भर नहीं पा रही, क्या मानते हैं आप? देखिए ये मुद्दा तो खैर अभी जांच का है कि अभी जांच शायद भूपेंद्र जी बेहतर बताएंगे कि अभी रिपोर्ट आई है भारत विरोधी नारे लगे हैं नहीं लगे, ये विवाद दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में आपसी विवाद। लेकिन इस विवाद के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये या मोदी सरकार या मोदी जी ये बताने के लिए सफल हुए जनता के बीच में कि नहीं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और राष्ट्रवाद का नारा उन्होंने धीरे धीरे अपने खेमे में ले लिया। और दूसरी तरफ धर्म निरपेक्ष राजनीति कांग्रेस करती है ये बताने का राहुल गांधी ने प्रयास किया, लेकिन अंततः राष्ट्रवाद का नारा थोड़ा वहां सफल रहा है। और इसी कारण यही मुद्दा मैं आपको बार बार सीधे तौर पे नहीं लेकिन परोक्ष तौर पे बता रहा हूं कि यही मुद्दा गुजरात में हावी हुआ जिसके कारण ये रिजल्ट सामने दिख रहे हैं। और पहले भी मैंने बताया कि जय में छिपी कहीं ना कहीं ये पराजय है मुख्यमंत्री गुजरात के, पहली बार ऐसे हुआ है, सॉरी प्रधानमंत्री गुजरात के और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के गुजरात के। उसके बाद अगर अपने घर में अगर वो जिस प्रदर्शन पे वो खुशी बता रहे हैं, ये प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन यहां भूपेंद्र जी से सवाल जरूर है सुनील जी, आप इसे एग्जिट पोल को लेकर के उस दिन भूपेंद्र जी काफी नाखुश हो रहे थे और बोले ये देखिएगा चुनाव 18 तारीख को हम बैठेंगे और बताएंगे कि रिजल्ट क्या होगा। और इन्होंने अपना इंटरनल सर्वे बताया था कि 95 से लेकर 99 या 100 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी, तो इनका वो सर्वे कहां का था थोड़ा सा आप पूछिए और वो सर्वे गलत। बिल्कुल भूपेंद्र गुप्ता जी, ये जो परिणाम सामने हैं वो परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। आप कभी हमारी डिबेट वापस देखिएगा, जब इस स्टूडियो में लोग कहा जा रहा था कि 137 से 138 सीटें बीजेपी की आ रही है, भूपेंद्र जी 109 भी बता रहे थे। जवाब लेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों तक हम दिखा रहे हैं और बता भी दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, जोरदार स्वागत उनका किया जा रहा है, फूल मालाएं जो है वो पहनाई जा रही है, साफ तौर पर फूलों की बारिश की जा रही है। तस्वीरें सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें जहां पर प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, बधाई दी जा रही है, आतिशबाजी भी हो रही है और साफ तौर पर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े साफ तौर पर देख सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें जहां पर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है, तमाम जो कार्यकर्ता है जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है क्योंकि गुजरात के जो नतीजे आए हैं, हिमाचल के जो नतीजे लगातार आ रहे हैं और गुजरात के भी नतीजे जो आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है और उसकी धमक जो है वो मध्य प्रदेश में है क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में साफ तौर पर जश्न का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान भी वहां पर मौजूद है। एक बड़ी बात यह भी कि जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी गुजरात में,
वो भी लंबे समय से वहां पर चुनावी प्रचार में थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। ऐसे में जो जीत की ओर अग्रसर लगातार बीजेपी बढ़ रही है, ऐसे में गुजरात के नतीजों पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जश्न का माहौल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं मुख्यालय में और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से। प्रदेश अध्यक्ष ने मुखिया को मिठाई खिलाई है, साथ ही नंद कुमार चौहान को भी मुंह मीठा कराया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, सीधी तस्वीरें सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर। प्रदेश के मुखिया पहुंच चुके हैं और ऐसे में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। नंद कुमार चौहान भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर। धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ चर्चा में लगातार मौजूद हैं, भूपेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेन गुप्ता जी, मैं आपसे जाना चाहूंगा, जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा था कि भैया आखिर नतीजे आने दो, आप भी कह रहे थे कि नतीजे आने दो, उसके बाद जो है एक सार्थक बहस होगी, लेकिन जो रुझान है और जो नतीजे आ भी रहे हैं, उससे लगता नहीं कि अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, और किस नतीजे की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं, 75 सीटें अगर कांग्रेस की आ रही हैं, जिनमें से जिसके 15 विधायक तोड़ लिए गए थे और उन 15 विधायकों को इन्होंने जो है फिर टिकट भी दे दी उनमें से आधों को। नहीं, जो तोड़ लिए जोड़ लिए वो नहीं, इस पर अभी इस पर मैं कमेंट नहीं चाहूंगा आपका। भूपेन गुप्ता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे थे ये तोड़ने की बात पहले भी पता थी, मैं जवाब लूंगा, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। आप दीदी इनको मध्य प्रदेश के जननायक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज